तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम एक फ्री एनर्जी जो है बनाने वाले हैं जनरेटर, और देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है फ्री एनर्जी काम करता है या नहीं करता है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको किसी भी पार्ट जो है मिसिंग ना हो। तो यहाँ पर जो है सिंपल मैं ज़्यादा सामान नहीं लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक मोटर लेने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 12 वोल्ट का मोटर है और इसमें जो है मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक मोटर है मेरे पास DC, और ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में और किसी तरह से कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं इसको खोल करके इसके अंदर जो है इसको निकाल देते हैं और इसके अंदर छोटी सी बैटरी लगा देते हैं और फ्री एनर्जी के नाम पर जो है आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक ओरिजिनल मोटर जो है यहाँ पर लिया हुआ है, और उसी के साथ में यहाँ पर एक मैग्नेट लिया हूँ मैं। तो ये मैग्नेट का रोटर है जो कि इस तरह से काम करता है, इस तरह से घूमता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ कॉपर वायर लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर एक बोर्ड का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ, और इसलिए क्योंकि इसके जो हाइट के लिए मैं लेने वाला हूँ, तो इस मोटर को जो है मैं यहाँ पर तो इस तरह से मैं कुछ फिट करने वाला हूँ। ये देखिए, तो मैं कुछ इस तरह से इसको फिट करने वाला हूँ, तो ये शायद और हाइट हमको इसको इसकी हाइट जो है मुझे और थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर अभी भी जो है नीचे टच हो रहा है। तो चलिए इसकी हाइट को हम फटाफट से बढ़ा लेते हैं। तो हाइट बढ़ाने के बाद और इसके मोटर को इस तरह से हम मोटर को सामने की तरफ लगाने वाले हैं, कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम फटाफट से अब जो है इसको चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के लिए हम यहाँ पर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कि मैं यहाँ पहले से चिपकाया था। तो इस तरह से जो है आपको दिखा दूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है डाउट हो जाता है कि इसके अंदर बैटरी होगी या कुछ जो भी है। तो चलिए इसको हम यहाँ से दो टुकड़ा कर लेते हैं, तो जिससे इसका हाइट जो है हम यहाँ चिपका देंगे कुछ इस तरह से, तो इसमें और भी लगेगा। तो इसको भी हम दो टुकड़ा इस तरह से कर लेंगे। तो अब जो है एक साइड का हाइट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, ये देखिए। तो इस तरह से एक साइड में इसको मैं फिट करने वाला हूँ। तो चलिए इसको चिपकाना शुरू कर देता हूँ। तो इसको चिपकाने के लिए आप ग्लू गन या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये मैं जो पहले का गम है उसी को यहाँ पर मेल्ट करके लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए लगा दिया है। अब उसके बाद में जो है मैं इसी को जो ये दूसरा जो पहले का यहाँ पर लगा हुआ है इसी को थोड़ा सा गर्म करके अभी इसको भी उसके ऊपर मैं आसानी से चिपका दूँगा, तो ये हमारा जो है वेस्टेज भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको चिपका दूँगा यहाँ पर, देख सकते हैं बिल्कुल चिपक चुका है यहाँ पर। तो इसको भी हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे जिससे और अच्छे से चिपक जाए, है ना। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद में जो है इसको भी हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो चलिए पहले चिपका लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, वरना बहुत टाइम लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो मोटर चिपक चुका है, और यहाँ पर जो मैंने रोटर बोला था ये रोटर चिपक चुका है, और ये कुछ इस तरह से घूमेगा यहाँ पर, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और इस बेल्ट की मदद से जो है ये हमारा रोटर जब घूमेगा तो इस मोटर को भी साथ में घुमाएगा कुछ इस तरह से। और देख सकते हैं किसी तरह का कोई बैटरी, देख सकते हैं पीछे किसी तरह का कोई बैटरी या फिर किसी चीज़ जो है आप देख सकते हैं खुद। और यहाँ पर भी जो है पैकिंग वगैरह मैंने लगा दिया है, देख सकते हैं पूरा क्लियर आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किसी तरह का कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब इसकी सेटिंग हो चुकी है, और अब थोड़ा सा इसके अंदर और काम बचा है, तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको कॉपर का वायर लेना है, तो आप मोटा भी ले सकते हैं और पतला वायर भी ले सकते हैं। तो करीब आपको जो है 1.5 से 2 मीटर के करीब आपको ले लेना है, और लेने के बाद में आपको जो है
कुछ मैं बताता हूँ किस तरह से आपको कॉइल बनाना है इसका। तो मैं यहाँ पर जो है एक 1.5 मीटर लेकर इसकी कटिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर देना है। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है और वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैं जो है आपको देखिए कुछ इस तरह का कॉइल लेना है। और कॉइल लेने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए बताता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट हमारा जो है ये प्लास्टिक से कोटिंग है, तो इस मैग्नेट के ऊपर इस तरह से इसको रखना है। ये देखिए इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से इसको कॉइल करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको कॉइल करना है। तो उसके बाद हम इस कवर को खोल देंगे और मैग्नेट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ खोल के। तो पहले इसका साइज ले लेना है और उसके बाद हम इस प्लास्टिक को हटा लेंगे। ये देखिए ये देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल नया हमारे पास एक मैग्नेट है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में फिर फिट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी टाइट जो है इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा प्लास्टिक टूट गया है, कोई बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारा मैग्नेट जो है बिल्कुल अच्छे से बाहर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर ही हमको कॉइल को लगा लेना है। तो इस तरह से इसको कॉइल को यहाँ पर लगा लेना है और लगाने के बाद यहाँ पर चिपकाना है हमें। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा चिपका दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस कॉइल को जो है इसके सेंटर में जो है कुछ इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। और थोड़ा सा शायद इसको हम और चिपका देंगे अभी, क्योंकि ये अभी भी हिल रहा है। तो इसको हम पूरा अच्छे से चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह का इसका कनेक्शन है, आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा मोटर का कनेक्शन है जो कि हम जनरेटर के तौर पर यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा देखिए निकल गया, इसको हम फिर से अभी चिपकाएंगे। और ये हमारा जो है मैग्नेट वाला रोटर है जिसे हम मैग्नेट से घुमाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से घूमने वाला है। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है कुछ इस तरह से निकल जा रहा है। तो चलिए इसको हम फिर से पूरा चिपका लेते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर हम चिपका देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको हम चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद में सिंपली क्या करना है, इस मोटर इस कनेक्शन को इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। ये देखिए, चलिए दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको करना है और प्लस वाले को कॉइल के दूसरे साइड में इस तरह से करना है। ये देखिए बस सिंपल कनेक्शन है, कुछ इस तरह से हमें सिंपल कनेक्शन करना है और उसके बाद हमें सिंपली इसको टेस्ट करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर चिपका लेते हैं, ये हिल रहा है। तो इसको हम फिर से एक बार चिपका लेते हैं ग्लू गन की मदद से, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नेट जो है तुरंत चिपक जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसको अच्छे से चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस इसको भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया है कुछ इस तरह से। तो ये अब जो है बिल्कुल चिपक चुका है, अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरह से चिपका लेना है। अब यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं, कनेक्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से प्लस और यहाँ से दूसरे जगह से हमें माइनस इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से मेरा जो है सेटअप कुछ इस तरह से बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। तो इसको हमें आराम से करना है वरना उजड़ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और ये जब ये घूमेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से घूमेगा, ये जब ये घूमेगा तो यहाँ इस मोटर से हमें इस कॉइल में करंट आके इस मैग्नेट से जो है हमें पावर मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको किया है और अब चलिए इसको हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं टेस्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसकी टेस्टिंग करने से पहले हम एक काम करेंगे, तो इस रोटर में हम हल्का सा टेप मार देंगे ताकि जब ये मूवमेंट करेगा, यानी ये जब घूमेगा तो आपको जो है पता लग सकेगा, ठीक है।
क्योंकि ये ब्लैक है फिर आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें टेप लगा दिया है। थोड़ा सा हम कैमरा इसके ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, और अब चलिए जो है इसका हम टेस्ट करेंगे। तो सिंपली टेस्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट है ऑलरेडी, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो इस मैग्नेट को हमें लेना है और इस रोटर के आसपास जो है जहाँ से इसको जो है ये कैच कर सकता है उतने दूर पर इसको हमें लेके जाना है। तो ये देखिए बंद हो गया, तो कुछ इस तरह से हमें इसको नहीं हो रहा है। ये देखिए देखिए चिपक गया इसके अंदर, तो हमें चिपकने नहीं देना है, ठीक है। इसको हमें हटा लेना है, तो ये बिल्कुल चिपक गया था इसके अंदर, तो इसको हमें बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है। देखिए इसको हमें, ये देखिए अभी भी नहीं हुआ। एक बार जब ये मूवमेंट करने लगेगा, ये देखिए जब एक बार ये मूवमेंट करने लगेगा तो उसके बाद में जो है कंटिन्यू जहाँ चलने लगेगा वहाँ हम इसको रोक लेंगे। तो ये यहाँ से चल रहा है, ये देखिए, तो ये काफ़ी स्लो चल रहा है। और अब जो है इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, जो कि डीसी लाइट है। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये लाइट चालू होता है या फिर नहीं होता है। तो इसको सिंपली चालू रखने देना है, और कुछ इस तरह से हमें, अभी मैं एक हाथ से क्या क्या कर सकता हूँ देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें इसको करना है और यहाँ पर हमें इसको लगाना है। तो ये गिर गया हमारा लाइट, तो इसको हमें यहाँ पर टच करना है दूसरे वाले पॉइंट पर, तो लाइट आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरह से रखना है और सिंपली यहाँ पर टच करना है, तो ये देख सकते हैं लाइट हमारा बिल्कुल चालू हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है। देखिए ये देखिए, तो फुल ब्राइटनेस के साथ में जो है हमारा बल्ब चालू हो रहा है, जो कि काफ़ी रोशनी, तगड़ी रोशनी के साथ चालू हो रहा है, ये देख सकते हैं। अब मैं जैसे भी मैं जैसे इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, ये देखिए बंद हो चुका है, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी पास लाऊंगा तो ये चालू हो जा रहा है। जैसे इसको हटा रहा हूँ बंद हो जा रहा है, जैसे इसको ला रहा हूँ चालू हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ बंद हो जा रहा है, फिर इसको ला रहा हूँ चालू हो जा रहा है। देखिए तो इसी तरह से जब इसको हम चालू करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। अब मैंने इसको यहाँ पर, सॉरी गिर गया ये, तो यहाँ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, ये देखिए। अब मैं जैसे यहाँ पर मैग्नेट को थोड़ा सा करीब लेके जाऊँगा, ये देखिए, ये देखिए, और पास लेके जाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट इसमें चिपक जाएगा। ये देखिए मैं एक झटके में अगर इसको लेता हूँ तो बंद हो जाता है। जैसे इसको थोड़ा थोड़ा इसको हम पास लाते हैं, ये देखिए फिर से गया, ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये देखिए चिपक गया, देखिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर काम करता है। फिर देखते हैं इसको हम, तो हमारा लाइट गिर चुका है, ये देखिए, इसको हटाएंगे बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके साथ हम एक मोटर भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली एक 12 वोल्ट का मोटर लेने वाले हैं, जो कि डीसी मोटर है। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हम प्लस में प्लस, माइनस में माइनस रखना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो थोड़ा सा हम टेस्टिंग करेंगे उसके बाद। ये देखिए लग चुका है हमारा मोटर, और यहाँ पर इसके लिए मैंने टेप मार के रखा है ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पर दिख सके। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं, काफी पावर में जो है ये घूम रहा है। ये देखिए, तो ये थोड़े देर के बाद घूमता है, कि
क्योंकि इसको पावर मिलने के बाद ये इसको घुमाता है, उसके बाद ये घूमता है। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, जैसे इसको हम लाते हैं ये देखिए, तो ये किस तरह से जो है क्या काम कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको इसमें क्या लगता है। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।